बहराइच के कतरनिया घाट वन्य विहार में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पर्यटक कतरनिया घाट वन जीव विहार में घूमने आए थे। इस दौरान वो जिप्सी पर सवार होकर कतरनिया घाट वन्य जीव विहार का जायजा ले रहे थे, तभी जंगल से आए 15 नेपाली हाथियों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। किसी तरह पर्यटकों ने जिप्सी से उतरकर अपनी जान बचाई। इस बीच हाथियों के झुंड ने पर्यटकों को काफी दौड़ाया। घटना का ये वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें हाथी का झुंड पर्यटकों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं नेपाली हाथियों के झुंड ने कतरनिया घाट रेंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालीकोट में मंगलवार रात जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने घरों पर हमला करते हुए उसे तहस नहस कर दिया, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलकर अपनी जान बचाई। हाथी 11 बजे आई है, 11 बजे से जो है 4 घंटा हाथी बहुत परेशान किसी से पड़ोस में है, और पूरा उसके तहस नहस कर दी, सब डेहरी धान वान सब खाए, पूरा सब नष्ट कर दी, घर और गिराए दिए, से दो घर गिराए दिए। किसका घर गिराया है? ये परशुराम है हमारे पड़ोस में, परशुराम नाम है, बाप का नाम सुकर उसका है ननकौ। कितनी हाथी थी? एक अकेले हाथी, दंतारी हाथी है भैया। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े दांत हैं उसके। लगभग कितने घंटे उत्पात मचाया है? 4 घंटे भैया, वो 4 घंटे। आप लोग फिर कैसे हाथी को भगाने में सफल हुए? आगे आगे जलाए हैं तो भैया, हमरे सबके टाइल है, हम लोग बहुत बुरे तरीके से भागे हैं, रात में पूरी रात तो बैठे रहे आगे जलाए। वन विभाग से कोई आया था? सवेरे आए हैं फॉरेस्ट गार्ड, वही ले गए फोटो वोटो खींच के। हालांकि इस दौरान हाथियों ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पीड़ितों ने घटना की जानकारी रेंज कार्यालय पर दी। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी नेपाली हाथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को किसी तरह का कोई खतरा न हो। बहराइच से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।